हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी हम आए हुए सिंघिया घाट, जो सिंघिया घाट का प्रसिद्ध मेला नागपंचमी मेला होता है, उसी को कवर करने के लिए हम पहुँच चुके हैं। और आप लोग को बता दें कि रोड पर काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है, और जिस जगह से, जिस पैलेस से सांप को निकाला जाता है, वो जगह पर भी चलेंगे और दिखाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जितने बार भगत जी डुबकी लगाते हैं इस बूढ़ी गंडक में, आप लोग को दिखा देते हैं। अबोध बच्चा भी सांप लेके सो जाएगा, उसको सांप लेके पटक देगा, सांप लेके लात पर चढ़ जाएगा, सांप पर चढ़ जाएगा, सांप को दांत काट लेगा छोटा बच्चा भी। आज के दिन सांप जो है, नाग नागिन जो है, कि कोई भी सांप हो, किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकती है। आज के दिन निकलने के लिए, आज के दिन श्रद्धालुओं के पास जाने के लिए सांप सालों साल तपस्या लेती है, और बहुत तप करके आज विभूतिपुर में, ये जो सामने गंडक नदी है, दिखाइए आप गंडक नदी, दिखाइए सामने, इस गंडक नदी के द्वारा भगत के पास आपरूपी पहुंचती है, वहीं से श्रद्धालु वॉलंटियर को सांप मिलता है। चल चुका है, देख पाइएगा, और बगल में मेहता जी को देख पाइएगा, वहाँ पर अपना कवर कर रहे हैं, और साइड में आप लोग भीड़ देख पाइएगा। इस चीज़ को देखने के लिए तमाम लोग एक नज़र से देख रहे हैं, आखिर कौन सा चमत्कार है जिस कारण से पानी के अंदर जितना डुबकी लगाते हैं उतना ही सांप निकालते जा रहे हैं, आखिर क्या है। और ये जो नागपंचमी काफ़ी दिनों से पूर्वजों से मनाते हुए आ रहे हैं, और ये भगत जी का आप लोग देख पाइएगा, ये जितना बार डुबकी लगाते हैं उतना ही सांप निकालते हैं, जिसमें अधिकतर आप लोग देख पाइएगा धामन
अधसर, यहाँ पर एक लड़का के हाथ में अधसर है जो कि काफ़ी बेसेला होता है, वो सांप है। और निकालने का जो प्रक्रिया होता है वो जारी है, और अभी देख पाइएगा एक और निकला है। और कब तक ये निकालने का कार्यक्रम चलते रहता है वो आप लोग दिखा रहे हैं, ऐसा देख पा रहे हैं। ये बिहार का प्रसिद्ध नागपंचमी मेला जो समस्तीपुर जिला के सिंहिया घाट में मनाया जाता है, और ये बूढ़ी गंडक है जहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं। अभी फिर देख पाइएगा एक और यहाँ पर देख पाइएगा एक और निकला है। देख पाइएगा सांप लेने के लिए भी लफड़ाबाजी कर रहे हैं कि हम लेंगे तो हम लेंगे, इस तरह से जिस चीज़ से लोग को डर लगता है, जिस चीज़ से लोगों को भय रहता है, यहाँ पर देख पाइएगा कोई तरह का भय नहीं है, डर नहीं है। निसंकोच लोग भगत जी जो निकालते हैं वो निसंकोच लोग लेने के लिए हम लेंगे तो हम लेंगे, इस तरह से तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं। यही खासियत है, यही विशेषता है सिंहिया घाट नागपंचमी मेला का। देख पाइएगा किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, यानी जो अंदर पानी में अपने पास है, इसी के लिए फेमस है सिंहिया घाट का नागपंचमी मेला जो आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर वाहन का जो होता है वो बिल्कुल, जो यातायात होता है बिल्कुल बाधित हो जाता है, क्योंकि दूर दूर जो जाने वाले लोग होते हैं, खास करके जो रोसड़ा से खुलती है पटना के लिए, अगर वो यात्री बस में अगर सवार हो काफ़ी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कितना टाइम लगने वाला है कहना मुश्किल है। और यहाँ पर देख पाइएगा सांपों का झुंड, सांपों का समूह, देख पाइएगा जिस चीज़ से लोगों को डर लगता है, जिस चीज़ से भय रहता है, यहाँ पर निसंकोच देखिए गले में लगाए हुए हैं एयरफोन की तरह। और देख पाइएगा यही दृश्य तस्वीर है सिंहिया घाट का, जहाँ पर फेमस प्रसिद्ध नागपंचमी मेला मनाया जाता है, जो पूर्वजों से मनाया जाता है ये चीज़, वो चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत, यही वजह है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या रहस्य है, क्या राज है, और उस चीज़ को यहाँ पर आकर के देखते हैं। देख पाइएगा, और जैसे बतलाएं कि इस तरह का जो समूह होता है, इस तरह का जो ग्रुप होता है, कई ग्रुप में भगत के द्वारा वहाँ पर जाया जाता है और वहाँ से सांप को निकाला जाता है, वो चीज़ भी आप लोग को दिखाएंगे बताएंगे। देख पाइएगा भीड़, और साइड साइड में जो बस होता है, ट्रक होता है, छोटा वाहन होता है, वो बिल्कुल रुका हुआ जो यातायात चीज़ में बाधित हो जाता है। और यहाँ पर देख पाइएगा, यहाँ पर देख पाइएगा कुछ लोग हैं, हम बातचीत हम करना चाहते हैं, जो दर्शक हैं, दर्शक से हम जानना चाहते हैं।